हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। और आज की टॉपिक में आपको थंबनेल देख के आपको समझ आ गया हम लोग किस टॉपिक में बात करने वाले। देख लो ये स्विच बोर्ड किस तरीके से यहाँ पर डैमेज हुआ है। और ये क्लास है, यहाँ पर स्कूल है, स्कूल वॉश टॉयलेट पे यहाँ पर जो है बॉयज लोग का जो टॉयलेट है वहाँ पर जो है ये स्विच बोर्ड टूटा हुआ है। तो उसमें हम लोग जो है नया स्विच बोर्ड कैसे लगाएंगे और कटिंग कैसे करेंगे आज का वीडियो रहेगा। नॉर्मल स्विच बोर्ड किस तरीके से फिटिंग किया जाता है और ये इतना डैमेज होने के बाद उसको सॉल्व करने वाले। तो आप लोग सोच रहे होंगे हर जगह तो मॉडलर लगाते हैं, नॉर्मल कैसे लगा। यहाँ पर पहले से नॉर्मल है, उसमें हम लोग आज स्विच बोर्ड चेंज करने वाले, मतलब रिपेयर करने वाले, उसको नया लगाने वाले। कैसे लगाएंगे इस वीडियो में आपको बताएंगे, पूरा कटिंग करके स्विच बोर्ड कैसे मेजरमेंट लिया जाता है, कटिंग कैसे करते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे कटिंग करके हम लोग स्विच बोर्ड फिटिंग करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आप लोग को मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें। तो आप लोग समझ आ गए, यहाँ पर अभी साइलेंट है, छुट्टी हो गई है स्कूल का। और ये देखिए वॉइस टॉयलेट, तो इसमें हम लोग का जो है यहाँ पर स्विच बोर्ड का हालत देखोगे ना तो आप लोग सोचोगे ये क्या कंडीशन हो गया। देख रहे हो मतलब इतना गुस्सा। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर एक वॉशरूम पे कितना डैमेज कर दिया गया बच्चे लोग। और ये स्कूल है, स्कूल में पता होगा आप लोग भी बच्चे रहते हैं स्कूल पे पढ़ने जाते होंगे तो स्विच बोर्ड में जब लाइट नहीं जलता है गुस्सा में मार के तोड़ देते थे ना, वैसे दिन याद आ गया। तो अभी अभी देख, तो जितना भी स्विच है पहले सबसे पहले ना हम लोग को फेस न्यूट्रल लोग को खोल लेना है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, नहीं तो हम लोग को भी शॉक लगेगा। पूरा गीला हुआ है यहाँ पर वॉशरूम, पहले न्यूट्रल वाला देखिए, न्यूट्रल को टेप लगा दिए। ये फेस लाइन है तो ये फेस वाले को भी सावधानी बरतना है आपको और इसको जो है बाहर करना है, ठीक है, और टेप लगाना है। तो देखिए सभी फेस और ये न्यूट्रल लोग को निकालना एक एक बारीकी से और नया स्विच यहाँ पर फिटिंग करेंगे और नया सरमाए का। तो कभी भी क्लाइंट को ऐसा वाला काम मना मत करना, मॉडलर स्विच बोर्ड आ गया तो क्या हुआ, हम लोग पुराना स्विच बोर्ड को भी रिपेयर करते हैं। तो चलो आपकी वीडियो में आपको रिपेयर करके देखेंगे पुराना स्विच बोर्ड कैसे तरीके से बनाया जाता है, स्विच कैसे काउंट करके यहाँ पर मिलाया जाता है मेजरमेंट के साथ, और पूरा इसको कटिंग भी आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग का पॉइंट अलग कर दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, एक सॉकेट था मतलब 6 स्विच लगेगा। और ये हम लोग का जो है अर्थिंग है और ये दो फेस है, आउटपुट इनपुट है, और ये हम लोग का न्यूट्रल। तो चलो ये हो गया, इसका साइज मेजरमेंट लेते हैं और सरमाइका प्लेट लाते हैं और चलो कटिंग करके आपको बताएंगे और मेजरमेंट कैसे लेंगे वो भी आपको बताएंगे। नया स्विच लगाएंगे, आइए। ये देखिए ये है डैमेज वाले स्विच लोग, इसको सब बाहर कर देते हैं हम लोग और इसके जगह हम लोग नया प्लेट लेके आए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 12x10 का प्लेट है, ठीक है, ओवर साइज लाना है। और इसमें हम लोग स्विच बोर्ड अभी फिटिंग करने वाले, हर जगह मॉडलर बोर्ड तो लगा देते हैं आसानी से, आज है डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ये भी काफ़ी आसान है, आप लोग को बता देते हैं, आपके घर में लगाना चाहते हो तो ये भी लगा सकते हो। ये भी रॉप एंड टॉप है, समझो लॉन्ग लास्टिंग है और कम पैसे में है। ये 15-20 रुपये में आपको स्विच मिल जाएगा मार्केट में, ये प्लेट 15 से 20-30 रुपये में आपको सरमाइका प्लेट मिल जाएगा, वाइट रहेगा सस्ता और कलर रहेगा तो महंगा। ये स्विच बोर्ड में अभी हम लोग इसको इंस्टॉलेशन करेंगे स्विच को, ये नॉर्मल स्विच है, ओपन वाला है, नॉर्मल मतलब समझो। और ये एंकर कंपनी का है, इसको बाहर करते हैं रेफर को, देखिए इसमें एक स्विच मिलेगा और छोटा सा 2 स्क्रू मिलेगा, स्क्रू से फिटिंग होता है नॉर्मल स्विच। और ये देखिए ये इनपुट लाइन है और ये आउटपुट, एक 2 पॉइंट डालना है फेस और एक आउटपुट का। तो चलो सभी स्विच को फाड़ते हैं, उसके बाद आपको इसमें मेजरमेंट आप करके बताएंगे। टोटल सिक्स स्विच लगेगा समझो, देखिए ये तीसरा नंबर और है, सबको पेपर फाड़ लेते हैं इसका पॉलीथीन। तो मस्त एक व्यवस्था मिल गया, टीचर लोग चले गए घर और हम लोग का क्लास चालू हो चुका है। तो देखिए सभी स्विच हम लोग ना पेपर से बाहर कर दिए और अभी हम लोग गुनिया अभी करने वाले हैं, इसको सही मेजरमेंट सही लेना है, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट मेजरमेंट करके करना है क्योंकि ये स्विच का जो है लेबल हम लोग को सही रखना है। ये हो गया मेजरमेंट, इसको पहले मार्किंग कर रहे हैं हम लोग कहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे स्विच का। ये देखिए स्विच लेना है पहले और इसको ना मेजरमेंट करना है,
एक लकीर तो हम लोग कर दिए, दूसरा लकीर हम लोग को जो है ना इसमें लेके आना है। देखिए यहाँ पर हम लोग रख दिए, इसको हल्का सा मेजरमेंट भी लेना है गुनिया में, क्या है गुनिया को पकड़ने की दिक्कत जाएगा। तो एक पेंसिल लिए, पेंसिल से ऐसे नेक पे रखें यहाँ पर लॉक, उसके बाद यहाँ पर ला के ऐसा रखना है। ठीक है, ये सही जगह आ गया, मतलब इसको मार्किंग कर देना है। ये देखिए ये हो गया, ऐसा फिर से लकीर में रखेंगे इसको और इसको सही से लकीर कर देंगे। ठीक है, ये मार्किंग हो गया हम लोग का इस एरिया। फिर हम लोग को कितना स्विच रखना है, कितने वाई कितना करना है, तो इस स्विच लोग को ऐसा सिंपल रख लेना है हम लोग को, तो इससे हम लोग को पता चल जाए कितना स्विच है और कितने जगह मंग रहा है हम लोग को। ये देखिए ये रख दिए, उसके बाद ये भी रख दिए, और ये देखिए यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, इसको सेंटर में रखना है अभी। ठीक है, स्विच बोर्ड की इधर भी सेंटर आना चाहिए, इधर भी। तो अभी मेजरमेंट ले लेते हैं इसको, मैं अभी नॉर्मल देसी जुगाड़ में बता रहा हूँ, आप टेप से भी मेजरमेंट ले सकते हो, पूरा नॉर्मल करके बता रहा हूँ। कितना जगह चाहिए उस हिसाब से देख लेना है। ये स्विच ऐसा लग गया समझो, ये देखिए स्विच लग गया, तो इसको क्या करना है, ये इसका जो कटिंग एरिया है इसको हम लोग को मेजरमेंट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए कटिंग वाला एरिया है, इसको हल्का सा एक्स्ट्रा रखेंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे इसको। ये हो गया, ये वाइड वाला सरमाइका रहता है, ठीक रहता है इसका साइज के हिसाब से ना, हम वाइड वाला सरमाइका नहीं मिला मार्केट में। ये देखिए ये मार्किंग हो गया हम लोग का, टोटल स्विच लग रहा है टोटल छः स्विच एक सॉकेट, यहाँ पर लग रहा है सॉकेट आ जाएगा। ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग ना स्विच लगाएंगे, ये लास्ट एरिया में सॉकेट लगाएंगे ऐसे स्टार्टिंग से सॉ, तो ये हम लोग का कटिंग होगा इस एरिया। ये देखिए ये मार्किंग हो गया, यहाँ पर ये कटिंग होगा। तो कटिंग करने के लिए हम लोग पटासी लेते थे, तो अब भी हम लोग नया एक तरीका यूज करने वाले हैं, इसमें हम लोग ग्राइंडर चला के कटिंग करने वाले, हल्का सा रिक्स रहेगा। फिर आपके पास पटासी है तो पटासी से मार्किंग करके कटिंग कर सकते। देख रहे हो ये ब्लेड कौन सा है, लोहे काटने का है, इसी में हम लोग कटिंग करेंगे। हमारे पास लकड़ी कटिंग करने का ब्लेड आता है, फिर उससे नहीं छूटा है अपने को। ठीक है, तो देखिए ये ब्लेड अभी हम लोग फिटिंग कर रहे हैं ग्राइंडर पे, और ग्राइंडर पे आज स्विच बोर्ड कटिंग करने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ये देख रहे हो स्कूल, देख रहे हो इतना सारा बड़ा सा स्कूल, और ये पूरा स्कूल का वायरिंग जो है ना मैंने ही किया हूँ। फिर उस समय हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे थे, यहाँ पर नॉर्मल स्विच बोर्ड लगा है पूरा एरिया में, और इतना बड़ा स्कूल का वायरिंग कैसे किए होंगे आप लोग सोच रहे होंगे ना। तो आप लोग मत सोचना, वीडियो पे बने रहिए, और अभी बहुत सारे स्कूल मिले हम लोग को काम, वहाँ पर हम आपको बताएंगे कैसे किया जाता है गवर्नमेंट काम। ठीक है, तो चलो ब्लेड लग गया फटाफट, और भी कटिंग करते हैं। चलो मशीन लग गया, अभी कटिंग करेंगे। इसके नीचे ना आप प्लाई का टुकड़ा रखना है, हमारे पास एक इंच का डीप है ना, इसलिए हम लोग नहीं रख रहे हैं। ऐसा प्रेस करना है पैर में, और इसको हम लोग कटिंग करने वाले हैं। तो देख रहे हो फिनिशिंग कैसा आ रहा है, हल्का सा रिक्स रहेगा, फिनिशिंग फुल आने वाला है, और इसको पूरा ऐसा ही शेप में कटिंग करेंगे आप भी। देखिए कटिंग हो गया, पता नहीं चल रहा ना आपको, ये देख सकते हो ये कटिंग हो गया, हल्का सा इसको ना मार, अभी हम लोग पटासी से कटिंग करने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग का बोर्ड का अंदर का जो शेप है सही मिलने वाला है। तो चलो आपको दिखाता हूँ कटिंग का। बात बताऊँ कि हमारे पास पटासी नहीं है, क्योंकि आज तक हम लोग ज़्यादातर यूज करते ही नहीं है, और मेरे बैग में है ही नहीं, तो अभी मैं इसको ऐसे ही फाड़ने वाला हूँ, हल्का सा रिक्स रहेगा। फिर हम लोग कटिंग पहले से कर दी, अभी देखिए नोच प्लास लिया मैं, नोच प्लास से मैं बीच वाले एरिया को निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कटिंग हो गया है तो इससे हम लोग का टूटेगा नहीं। ये देखिए ये टूटा यहाँ से, और ये देखिए पूरा फिनिशिंग है, यहाँ पर कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, देख सकते हो दोनों तरफ, समझ आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको ग्राइंडर से कटिंग किए थे, इसलिए यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और हल्का फुल्का हुआ है, तो उसको हम लोग जो है नोच प्लास से ही कर लेंगे। आपको पटासी चाहिए इसके लिए, ऐसे तो हम लोग ग्राइंडर में हम लोग कटिंग कर दिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर पटासी वेट रहता है। चलो स्विच बोर्ड अभी देखते हैं, यहाँ पर हम लोग का जो प्लेट सरमाइका है ये तो कंप्लीट हो गया, स्विच बोर्ड अभी कंप्लीट होगा तब स्विच बोर्ड कहलाए। ये सॉकेट है, सॉकेट हम लोग डाल के देखते हैं, देख रहे हो काफ़ी आसानी से चलेगी ना। इसको हम लोग को जानना कैसे ही, ये देखिए सॉकेट ऐसे ना इधर से इधर खसक रहा है, तो मतलब समझ जाना सही है। ये देख रहे हो, ये देखिए स्विच यहाँ से यहाँ चल रहा है ना ऐसा, तो समझ जाओ ओके है, ये हम लोग का कंप्लीट। ये यहाँ पर सॉकेट
आसानी से लग गया, स्विच भी आसानी से लग जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हम लोग का पूरा एग्जिट आए, कुछ 1 mm का भी फ़र्क नहीं पड़ा अपने को, और ये 100% हम लोग का स्विच फिटिंग हो गया। आप देख सकते हो हल्का सा मेरे को दिक्कत जा रहा है बस इस साइड में कॉर्नर में, क्योंकि इसको ना हम लोग नॉच प्लास से कर दिए थे ना। ये देखिए पूरा एग्जिट आ रहा है, ये देख सकते हो इस तरीके से पूरा फिनिशिंग आ रहा है, मतलब समझ जाओ। ये देखिए पीछे तरफ भी देख सकते हो सही आ रहा है। तो अभी इसको मार्किंग करेंगे होल, जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहा है ऊपर नीचे, ये दोनों में हम लोग नट लगाने वाले हैं। नट के लिए मार्किंग करेंगे ऐसे स्विच रख के। अब देखिए कंप्लीट हम लोग जो इसी तरीके से हम लोग का सॉकेट आएगा, स्विच आएगा। अभी हम लोग पेंसिल लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके मार्किंग कर लेते हैं फटाफट। मार्किंग करने के बाद आपको बताएंगे इसमें करना क्या है, पता है? छोटे छोटे होल करना है क्योंकि स्क्रू लगाना है इसमें। मार्किंग कर लेते हैं, मार्किंग कर दिए और इसको फिर से हम लोग को बाहर कर देना है। और ये देखिए छोटे छोटे आपको मार्किंग डॉट डॉट नज़र आ रहा होगा, उसी में हम लोग क्या करने वाले, अभी ड्रिल यूज करने वाले, इसमें होल करेंगे, छोटा छोटा होल करेंगे ताकि ये छोटे छोटे स्क्रू जो है ना ये फिटिंग हो सके। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए कैमरा, ये छोटे छोटे स्क्रू जो फिटिंग हो सके और ये स्क्रू हमारा स्विच जो है फिटिंग होगा तो ये अच्छे से पकड़ बना सके। अभी हम लोग ड्रिल करेंगे। तो देखिए ड्रिल ले आए और इसमें बीड लगा दी हम लोग को, स्क्रू के हिसाब से ना तय कर लेना है। आपको हल्का सा एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि एडजस्ट भी करना रहेगा। ठीक है, तो ये मार्किंग जैसे हम लोग किए ना वहाँ पर ना ड्रिल करेंगे। ये देखिए कैमरामैन पास करिए, इसको फोकस करिए, अच्छे देखिए ताकि ये देखिए हल्का सा इसको ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है ढीला हो जा रहा है। ये देखिए होल हो चुका, ये देखिए समझ गए, ये बी निकल गया मतलब होल हो गया। ये देखिए बी निकल गया, होल हो गया, और ऐसे ही सभी को फटाफट होल कर लेते हैं। ये देखिए दोनों होल हो गया, इसको साइज देख सकते हो आप, छोटा बड़ा आप देख के करना है। ठीक है, तो चलो फटाफट सभी को होल करते हैं। अब देखिए छोटे छोटे होल कर दिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग को डायरेक्शन देख लेना है सॉकेट कहाँ, इधर हमारा सॉकेट एरिया। अभी हम लोग का 5-pin सॉकेट बंद हो चुका, मार्केट में अभी 3-pin सॉकेट आने वाला है, क्योंकि इसका जो रीज़न है आप लोग को बाद में बताएंगे, अभी तो पहले वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए स्क्रू लगाने का है, यहाँ पर इसका बोल्ट समझ जाओ, स्क्रू इधर लगेगा साइड से। ये देखिए यहाँ पर साइड पे एक छोटा सा स्क्रू देखने को मिलेगा, ये सभी में इसी तरीके से एक एक करके हम लोग को स्क्रू लगाना है, और ये सब कुछ ना अच्छे से टाइट भी करना है। अभी तो नॉर्मल करेंगे एक एक करके यहाँ पर, ये देखिए नट यहाँ पर लगाना है, और एक स्क्रू ड्राइवर आपको चाहिए क्योंकि इसको घुमाना भी पड़ता है, क्योंकि एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखिए ये हो गया, उसके बाद पीछे तरफ जो है यहाँ पर हम लोग को नट लगा देना है। ऐसे ही सबका ना एक एक करके बारीकी से करेंगे और इसको बाद में टाइट कर लेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर स्विच कंप्लीट हो चुका, और ये देखिए सॉकेट इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये स्विच भी कंप्लीट। ठीक है, पीछे तरफ आप देख सकते हो। तो इसका वायरिंग कैसे करेंगी, आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एक नीचे वाला टर्मिनल देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया। तो ये कॉपर का वायर को इस तरीके से खुला कर लेना है अपने को, इसका पीवीसी बाहर कर लेना है, पहले से स्टार्टिंग से था, इसको मेजरमेंट लेना है यहाँ से। ठीक है, ये मेजरमेंट ले लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग को इनपुट करना है ये नीचे वाले एरिया पे, तो स्क्रू लोग को ढीला कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल है, पहले यहाँ से वायरिंग कर लेते हैं और जाएंगे और इसका वायरिंग आपको बताते हैं कौन कौन सा वायर कहाँ पर डालना चाहिए। देखिए इसका वायर को इनपुट करेंगे कहाँ पर, ये सॉकेट यहाँ पर, सॉरी स्विच पे, स्विच पे देखिए एक एक टर्मिनल पे आगे चले जा रहा है। अब देखिए ठीक है, ये पूरा स्विच लास्ट तक पहुंचाना है इसको, ये देखिए ये पहुंच चुका, और इसके बाद हम लोग को ये लास्ट का जो हम लोग को फुल टाइट कर देना है, और इसके बाद हम लोग को जो एक और पॉइंट चाहिए सॉकेट से हमारे स्विच को लाएंगे, क्योंकि बाकी जितना भी स्विच है हम लोग का लाइट पॉइंट के लिए रहेगा यहाँ पर 5। तो ये टाइट हो गया, बीच वाले एरिया इसलिए छोड़ रहे हैं, अभी हम लोग वहाँ साइड पे जाएंगे और इसको ना मल्टी बैलेंस इसको बांटेंगे, क्योंकि सॉकेट तरफ फेस देंगे, यहाँ से हमारा लोड ज़्यादा होता है सॉकेट पे। तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे फेस के लिए, एक छोटा सा टुकड़ा वायर जहाँ एल लिखा हुआ उसमें पॉइंट करना है आपको, एन पे नहीं। ये हो गया पॉइंट, उसके बाद हम लोग का सॉकेट के
जो स्विच वाले एरिया में आएगा और ये स्विच पे पॉइंट करेंगे। ये हम लोग का सॉकेट का वायरिंग कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी, बता दे रहा हूँ मैं। अभी न्यूट्रल और अर्थिंग बचा हुआ है, अभी फेज वाला सप्लाई कंप्लीट चल रहा है। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब देखिए नीचे तरफ हमारा इनपुट लाइन है, ऊपर आउटपुट है, ये सॉकेट का और ये यहाँ पर अर्थिंग, यहाँ पर अर्थिंग, इसमें न्यूट्रल। तो देखिए स्विच बोर्ड पे आ गया और अभी हम लोग सबसे पहले ना पॉइंट वाले लोग को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि फेज वाले बाद में करेंगे, बोर्ड को अभी लटकाएंगे। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये गलत है, पहले पॉइंट नहीं करेंगे, पहले हम लोग को करना है पहले मेन वाले कनेक्ट। तो सबसे पहले अर्थिंग वाले जो कनेक्शन है, ये वाइड वाला वायर अर्थिंग वाले पॉइंट पर यहाँ पर लगाते हैं, जैसा था वैसा ही करेंगे। यहाँ पर बस चेंजेस हुआ है, हम लोग का बोर्ड प्लेट चेंज हुआ है, स्विच नया चेंज हुआ है। ये देखिए यहाँ पर सॉकेट ये लग गया, यहाँ पर अंधेला है बोल के ये आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये लग गया सॉकेट पे। उसके बाद ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है, इसको भी टेप लगा दी ताकि शॉर्ट सर्किट मत हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकर है नहीं पास में, हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा बंद करने के लिए। तो ये न्यूट्रल वाले को न्यूट्रल पे डाल देते हैं। अब हम लोग न्यूट्रल वाले कनेक्ट करेंगे सॉकेट पे, यहाँ पर और कुछ नहीं है, ओनली एक सॉकेट है। तो सॉकेट पे यहाँ पर 6 एम्पियर का सॉकेट है और जितना भी स्विच लगा है, सॉरी आपको बता नहीं पाए, ये सब 6 एम्पियर है। ये फुल टाइट करेंगे इसको, ठीक है, बिल्कुल कनेक्ट नहीं रखें। ये देखिए हो गया, ये अर्थिंग और हम लोग का न्यूट्रल हो गया। अब हम लोग को फेस पता करना है कौन सा वाला फेस है। ये देखिए ये फेस है हम लोग का 220 आ रहा है, इंडिकेटर जा रहा है, मतलब इसको ना सॉकेट के पास में लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का सॉकेट में लोड रहेगा, लाइट पे नहीं। तो फेस के पास हम लोग जो है ये सॉकेट के पास जो फेस रखेंगे इस वाले लास्ट वाले टर्मिनल पे। ये देखिए ये सॉकेट के पास फेस वाला नीचे वाले इनपुट करेंगे, नीचे जितना भी वायर जा रहा है ना लूपिंग वाले वायर, उसमें हम लोग को पैलर करेंगे। उसके बाद दूसरे वाले स्विच पे लोड डालेंगे, यहाँ पर दूसरे वाले में आउटपुट वाला जो एक और फेस है उसको डालेंगे यहाँ पर। ये दोनों होने के बाद जो है हम लोग अब डिसाइड करेंगे कौन सा लाइट पॉइंट कौन से जगह पे रहेगा। एग्जॉस्ट भी है यहाँ पर वॉशरूम पे, इसको दोनों को फुल टाइट रखेंगे, लूज नहीं रखना है इसको। और ये हम लोग का डायरेक्ट लाइन कनेक्शन है, हम लोग बंद भी नहीं किए इसको और डायरेक्ट हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए 220 भी आ रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग जो है एक एक सर्किट को देख लेते हैं कौन सा सर्किट हम लोग का जो है लाइट जल रहा है। तो पहले नंबर में लाइट हमारा ट्यूबलाइट जल रहा है, देखिए कैमरा मैन पीछे देखिए ऊपर 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 दिखा दीजिए, अभी एक नया कैमरा मैन मिला है आज, देखिए ट्यूबलाइट जल रहा है। ये पहले नंबर पर यहाँ पर स्विच पर रखेंगे, आइए आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग नंबर है यहाँ से, ये वाले में क्या करेंगे इन यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट पे टाइट कर लेंगे, इसको हल्का सा ढीला करते हैं, वायर अंदर नहीं जा रहा है इसलिए। ये देखिए ये होने के बाद पूरा रोशनी होगा तब अच्छे से आपको दिखेगा। ये लग गया यहाँ पर और ऑन करके देखते हैं स्विच पे। ये देखिए पहला नंबर का लाइट होना चाहिए हर समय और दूसरे नंबर पे फैन, और ये दोनों इन्वर्टर होता है, यहाँ पर इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है तो ये ओनली लाइट पे जलेगा। देखिए लाइट वर्क कर रहा है। अब बच गया हम लोग का 4 पॉइंट, तो एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। वायर लोग कार्बन आ गया ना तो उसको कटिंग भी कर लेना है और नया वायर डालना है इसमें, क्योंकि बहुत कार्बन आता है वॉशरूम लोग में, तो इसको कटिंग करके ना हम लोग को जोड़ना है कहाँ पर स्विच पे। इसको दो बार करना है, 1 mm का वायर है ना, तो पहले 1 mm का वायर कितना मोटा आता था, अब तो 2 mm का वायर भी लगाएंगे तो इतना मोटा नहीं दिखेगा सर। तो ये देखिए पॉइंट बना दिए, अब एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा लाइट का है। और बाकी नहीं है यहाँ पर, बाकी लाइट जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो चलो एक एक करके सब पॉइंट यूज कर लेते हैं, टोटल 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट पे यहाँ पर लगा देते हैं। एक ही लाइट जल रहा है, बाकी होल्डर है यहाँ पर वो नहीं जल रहा समझो। तो ये क्या करेंगे इसमें कनेक्ट कर देते हैं, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी हम लोग का एक काम बचा है, लास्ट तक बने रहिए। आपको बताएंगे इसमें हम लोग को होल को मेजरमेंट कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि ये अंदर हो जाएगा और इसको होल भी कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे। कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो पहले का हालत कैसा था आप लोग देखे थे, अभी देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका,
ऑलमोस्ट यहाँ पर पॉइंट था हम लोग का 5 1 2 3 4 5 और ये सॉकेट के लिए। तो ये वायरिंग हम लोग का पॉइंट वायर गया, ये दोनों हम लोग का इनपुट और आउटपुट है मेन लाइन का, ये हम लोग का न्यूट्रल, ये अर्थिंग इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है। और सभी वायर हम लोग का कनेक्शन हो गया और ये देखिए सीलिंग पे दिखा दीजिए, अभी हम लोग का लाइट और ये एक छोटा सा लाइट है वो नहीं जा रहा, मतलब एक सिंगल ही लाइट है यहाँ पर, ट्यूबलाइट है, और बाकी जो है होल्डर है यहाँ पर, और फैन है, एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन तो पॉइंट है। अब हम लोग का काम जो है, ये बोर्ड तो रिपेयर कर लिया अच्छे तरीके से, फिटिंग भी हो गया, स्विच लग गया, अब हम लोग का स्विच बोर्ड जो रेडी हो गया सर माइकल पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा होल है, कैमरा मैन यहाँ पर फोकस करी, ये छोटा छोटा होल है तो उसको ना हम लोग को मेजरमेंट लेना है। तो ये सर माइकल पे कैसे लेंगे आप लोग सोच रहे होंगे ना, चलो आपको बताते हैं। ये एक फ़ोन ले लेते हैं, अभी स्केल वहाँ से लाया नहीं, इसको लेंगे सेंटर, ऐसा ये सेंटर ले लेंगे, यहाँ पर भी लेते हैं होल के लिए, इसको मेजरमेंट लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और इसके बाद ये वाले लेवल में लेते हैं। इससे क्या होगा चलो आपको बताता हूँ, ये देखिए ये भी ये हो गया, अब उसके बाद नीचे वाले एरिया भी ले लेते हैं, जहाँ स्क्रू है वहीं पर लेना है, और ये चारों तरफ हम लोग इसी तरीके से मेजरमेंट लेंगे, तो ये क्या होगा हम लोग का स्क्रू मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेजरमेंट, अब हम लोग को इस सरमाइका पे मेजरमेंट लेना है। तो सभी वायर को अंदर फिर से डालते हैं बोर्ड के अंदर, ये इस बोर्ड का साइज़ जो है इसी तरीके से मेजरमेंट निकाला जाता है, और ये देखिए तोड़ दिए यहाँ पर टाइल को, बच्चे लोग इतना खुरा पाती हैं आप समझ सकते हो। तो इसको ना अच्छे से लेवल ले लेना है, लेवल स्केल है तो लेवल स्केल से देख लेना, लेवल स्केल बैग में है लेकिन नहीं आए, ये देखिए ये हो गया। और जहाँ जहाँ हम लोग मार्किंग किए ना वहाँ पर इसको मार्किंग करना है इसको, उसके बाद हम लोग का मार्किंग लेवल निकल जाएगा, उसके बाद ही इसको ना मेजरमेंट ले लेंगे कहाँ से हम लोग को सेंटर मिलेगा, इसको ना मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इससे क्या होगा हम लोग का, इसमें हम लोग का सेंटर आएगा यहाँ पर, तो ये जो है इसी में हम लोग होल कर देंगे। तो चलो मेजरमेंट लेते हैं और उसके बाद होल करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, लाइट देखिए तो ऑन करिए, ये देखिए मार्किंग की हम लोग, इस मार्किंग पे ना हम लोग ड्रिल करेंगे, ठीक है। ये देखिए ड्रिल ले लिए, इसमें लाइन चार्ज हो चुका है, मतलब यहीं पर हम लोग को सेटअप करना है। ये देखिए होल हो गया, ऐसे इधर भी कर देंगे, ऐसे चार होल करना है। ये दूसरा होल हो गया, अब ये नीचे का तीसरा, ठीक है, एक और बचा है चौथा, ये हो गया चौथा। अब हम लोग इसके लिए स्क्रू लेंगे और ये बोर्ड डायरेक्ट टाइट कर देंगे, स्विच बोर्ड यहाँ पर, ठीक है। चार स्क्रू लेंगे 1.5 इंची का, आप इसके लिए ना POP स्क्रू भी ले सकते हो, फिर POP स्क्रू हमारे पास है अभी फिलहाल, नॉर्मल स्क्रू स्टील का भी ले सकते हो, तो स्टील का दे यहाँ पर नहीं है, POP स्क्रू हमारे पास 1.5 इंची का। तो ये क्या करेंगे इसको अभी मिलाने वाले हैं, आप लोग को कैसा लगेगा मिलेगा कि नहीं तो हल्का सा देख लेना है आपको स्क्रू के हिसाब से। मेरे को लग रहा है ये वाला स्क्रू जो है ना ये मैच नहीं खा रहा है, तो कहीं और अलग जगह स्क्रू मारना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। देखिए ये भी ढीला लग रहा है, तो इससे बड़ा स्क्रू देखते हैं हमारे बैग में होगा, नहीं तो गलत जगह और स्क्रू को चेंज करेंगे। ये देखिए एक आया, उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला भी आ गया, उसका तीसरा वाला देखते हैं यहाँ पर आएगा कि नहीं, ये भी आ गया, ठीक है। एक ही स्क्रू हम लोग को नहीं मिल रहा है, इसका बड़ा साइज करेंगे स्क्रू, कैसा था और अब देखिए कैसा है, ठीक है। अभी भी इधर साइड पे देखिए कांच टूटा हुआ है समझो, मतलब ये सॉरी यहाँ पर टाइल टूटा हुआ, क्योंकि इतना प्रेस करके मारे थे ना। तो ये देखिए यहाँ पर बोर्ड इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है, और ये कंप्लीट पहले का नज़ारा आप देख सकते हो साइड पे, और ये वाला भी देखिए,
तो समझ आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले का जो बोर्ड था पूरा बुरी तरीके से कटा था, मतलब यहाँ पर तोड़ दिया गया था बच्चे लोग। अभी हम लोग का बोर्ड फिनिशिंग हो चुका कंप्लीट और स्विच बोर्ड नया लग गया, मतलब स्विच नया लग गया। सरमाइका प्लेट वाइट नहीं मिला तो इसलिए इस तरीके से ये वाले प्लेट का साइज लगाया गया है। और ये हम लोग का 12x10 का है साइज है। तो आई होप आज की वीडियो में आप लोग को समझ आएगा किस तरीके से स्विच बोर्ड पुराना वाले को मतलब ठीक किया जाता है और स्विच बोर्ड नया कैसा बनाया जाता है, वो आज की वीडियो में आप लोग को समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग देखिए नॉर्मल स्विच बोर्ड कैसा बनाया जाता है। पहले जमाने में इसी तरीके से स्विच बोर्ड कटिंग करके बनाया जाता है, कटिंग बस चेंजेस है कुछ। यहाँ पर हम लोग मशीन से कटिंग की, पहले पटासी से कटिंग करते थे, अभी हम लोग मशीन से कटिंग करके बनाए हैं, ठीक है। तो फिनिशिंग उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आया है और इंस्टॉलेशन कैसे की आप लोग को समझ आ ही गया होगा। तो देखे थे बुरी तरीके से बच्चे लोग कैसे यहाँ पर डैमेज किए थे हमारा स्विच बोर्ड को। अभी हम लोग नया स्विच बोर्ड फिटिंग कर दिए कंप्लीट, सरमाइका पे अपनी स्विच बोर्ड फिटिंग किए। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों चैनल को लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे से रिलेटेड वीडियो आप लोग को मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।